नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्ध विलास रायकवाल। दोस्तों, मैंने इस इंजन को खोला था, इसका मैंने क्रैंक चेंज किया था क्योंकि जो क्रैंक था वो 200 तक चला गया था। तो मैंने इसका खोला तो इसके बाद मैंने इसको पूरा कंप्लीट किया और कंप्लीट करने के बाद दोस्तों ये इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। हालांकि मैंने टाइमिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक कर ली थी, बट क्या था कि मतलब मैंने पूरा सेट किया था तो मैंने पूरी ध्यान से हर चीज़ को मैंने देखा था। तो इसके बाद भी मैंने स्टार्ट किया तो स्टार्ट हो नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा मैंने जब देखा काफ़ी लगभग 2-3-4 घंटे लग गए मुझे कमी ढूंढने में, और 2-3 नहीं मतलब लगभग आधा घंटा लग गया, 1 घंटा लगभग। तो देखो क्या होता है कि जो आप जो मैं ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ आपको, आपको इनको ध्यान से देखना है और आपको ये बताना है कि जो ये कैमशाफ्ट मैंने आपको दिखाई है, 1 नंबर ख़राब है, 2 नंबर ख़राब है या 3 नंबर ख़राब है। ये मैं आपको अलग अलग फ़ोटो दिखा रहा हूँ और आपको ध्यान से वीडियो रोक लेनी है या कुछ भी करिए, आपको ध्यान से देखनी है कि कैमशाफ्ट में कौन सी 1 नंबर या 2 नंबर 3 नंबर किस में फॉल्ट है। मतलब आप ध्यान से देखिए, मैं आपको 2-4 पिक दिखाता हूँ, इसके बाद आपको ये बताना है कि जो कैमशाफ्ट तीनों में से है ये कौन सी ख़राब है, 1 नंबर की ख़राब है या 2 नंबर ख़राब है या 3 नंबर ख़राब है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब इसका दे पाते हैं। तो अच्छा मिस्त्री वो होता है, मतलब आप इंजन पूरा फिट करने के बाद मतलब मिस्त्री नहीं बनते, मिस्त्री वो बनता है कि जो इंजन चलते हुए मतलब चल रहा है, सब कुछ सही है, फिर भी इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो उसके बारे में जानना चाहिए आपको। मान लो क्या होता है, इंजन का हमने सब कुछ सही कर लिया पर इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इंजन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा वो कमी ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। हालांकि इस इंजन में मैंने 4 या 5 घंटे अपने दिए हैं तब जाके मुझे ये समझ आया है कि इसमें क्या ख़राब है। अब आप ध्यान से देखिए, मैं तो बैठा ही हूँ बताने के लिए कि इसमें क्या कौन सी ख़राब है, और आपको वीडियो भी दिखाऊँगा कि कैसे आपको चेक कर सकते हो कि मतलब कौन सी वाली ख़राब है। सो आप इस ध्यान से देखिए और मुझे आप कमेंट में बताइए, वीडियो को रोक दीजिए, इसके बाद रोकने के बाद जाइए कमेंट करिए, कमेंट में बताइए 1 नंबर ख़राब है या 2 नंबर या 3 नंबर। सो आपके कमेंट करिए, इसके बाद मैं वीडियो आगे प्ले करता हूँ। सो फाइनली दोस्तों, जो जिन्होंने 2 नंबर का बोला था कि 2 नंबर लिखा था कमेंट में कि 2 नंबर ख़राब है, सो उनका जवाब बिल्कुल सही है। इसमें क्या है कि ये कैमशाफ्ट जो है 2 नंबर ही ख़राब है, आप ध्यान से देखिए तो इसमें बहुत ज़्यादा ऊंची है 2 नंबर, इसमें फॉल्ट है बीच वाली यानी 2 नंबर में। 2 नंबर होती है तेल वाली, कॉमेट कहा ये, तो तेल वाली समस्या तेल की थी, वो समस्या मुझे ढूंढने में बहुत टाइम लग गया। दिमाग ख़राब हो जाता है जब हम क्रैंक सब कुछ चेंज कर देते हैं पर इंजन टाइमिंग वगैरह सब कुछ मैंने देख ली पर जो इंजन था वो स्टार्ट नहीं हो रहा था। सो मैं इसमें सबसे ज़्यादा मैकेनिक इसी चक्कर में परेशान हो जाता है कि वो सब कुछ रिपेयर कर दे फिर भी अगर इंजन स्टार्ट ना हो तो वो मैकेनिक जो है थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि इंजन का सब कुछ सही है पर इंजन स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसको दिखाता हूँ मैंने कैसे इसकी कमी को ढूंढने में मतलब ढूंढना है, कैसे मुझे मैंने पूरा जानकारी दी है। सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें तेल की सप्लाई है ये यहाँ पे, ये देखिए, देखना चाबी देखना, ये हो रहा है, मतलब टॉप पे आते मतलब टॉप पे पूरा तेल इसको फेंक देना चाहिए। ये देखिए, देखता हूँ दिखाता हूँ मैं, देखिए ये है टेपर, ये एक साउंड सुन सकते हैं आप नोजल का, ये देखिए एक साउंड सुन सकते हैं आप, मैं अच्छे से दिखाता हूँ तुम्हें, देखिए ये बोरी क्या बेटा, ये टॉप पे तेल दे रहा है और हुआ, ये जो है अभी टॉप पे तेल दे रहा है, इसका मतलब अब हमारा इंजन सही है। पर पहले क्या हो रहा था, जो तेल था यहाँ पे दे रहा था, देखिए यहाँ पे ऐसे दे रहा था, ऐसे मतलब यहाँ पे दे रहा था, ऐसे देना चाहिए पर यहाँ पे दे रहा था, जैसे घूम के आ रहा था यहाँ पे, ऐसे ऐसे दे रहा था। तो क्या था दोस्तों, जो ये कैमशाफ्ट थी, ये देखिए कैमशाफ्ट आपको बड़ी दिख रही होगी, ये बीच वाली जो ऑयल देती है, ये क्या था कि क्या कुछ लोग होते हैं जो इसको माल धर मतलब ये जो बिल्डिंग करवाने के बाद इसको मतलब
ग्राइंड करवा देते हैं तो ये क्या होता है कि ये तेल का जो टाइमिंग होती है वो आउट हो जाती है। आप देख के ही बता सकते हैं कि देखिए ये छोटा है, ये भी छोटा है, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसी में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, नहीं वरना तो मैंने इसको जल्दी स्टेक कंप्लीट कर दिया था। पर पहले मैंने देखा कि कंप्रेसर सही है कि नहीं, मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं, तो जैसे टाइमिंग वगैरह मैंने देखी, टैपेट देखा, हेड देखा और कंप्रेसर सही आ रहा था तो मेरा ध्यान फिर तेल पर ही गया। तो देखिए ये बहुत दिक्कत दे रही है, ये देखिए कितनी बड़ी है साइज में और ये टाइमिंग भी आउट है। यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए इतनी। तो ये जो तेल है वो थोड़ा सा हमारा बहुत ज़्यादा लेट दे रहा था, पिस्टन टॉप पे होना था तब देता है। मैं आपको इंजन स्टार्ट करके दिखवाता हूँ।